अदर देन बीचेस, सनी वेदर, चर्च, कैसिनोज, लाइट हाउस, फैनी, सी फूड, रशिया, रोहित शेट्टीज फेवरेट मूवी डेस्टिनेशन, वॉट एल्स इज यूनिक अबाउट गोवा? गोवा अलॉन्ग विद यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर रूल्ड बाय रोनाल्डोज कंट्री फॉर मोर देन 400 ईयर्स एंड इट वॉज ओनली इन 1961 दैट गोवा वॉज लिबरेटेड. टिल डेट रेजिडेंट ऑफ दीज प्लेसेज गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव आर गवर्न बाय दी पोर्चुगीज सिविल कोड एंड एज पर पोर्चुगीज सिविल कोड वॉट एवर इनकम इज अर्न बाय दी हजबेंड एंड दी वाइफ फ्रॉम ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट फॉर दी सैलरी इनकम इट शैल बी अपोर्शन बिटवीन बोथ दी स्पाउसेज इक्वली. नाउ लेट्स से देयर इज अ रेजिडेंट ऑफ गोवा बाय द नेम ऑफ विजय सलगांवकर हु हैज थिएटर बिजनेस एंड ईयरली इनकम फ्रॉम दी थिएटर बिजनेस इज 10 करोड़. So 10 crore will be distributed between Vijay Salgaonkar and his wife equally. And both of them will be liable to pay taxes even though his wife is not actively involved in that business. And the 50% income distribution takes immediate effect from the day of the marriage. Each spouse automatically acquires joint ownership of all assets already in their possession, including inherited assets. Which means you'll automatically own the assets of your father-in-law, same as your spouse. And each time any one of the spouse decides to dispose of the asset or spend the income, express consent of the other spouse has to be taken.